कांग्रेस छोड़ के सुभाष चावला आए, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि बाकी लीडर्स भी कांग्रेस के आ सकते हैं, तो क्या आपको शाम को एक और धमाका देखने को मिले? राम मंदिर बना है वो हमारा श्रद्धा का प्रश्न है, 370 हटी है वो लोगों को अच्छा लगा है, और कांग्रेस पार्टी बात करती है कि जैसे ही आएंगे हम ये दोनों चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। आज तो यहाँ दुकानदारों से जब मिले हैं तो वो पहुँचते सार ही बोल देते हैं, वो भाई साहब मुबारक हो जितते हुए हो। एक बस के अंदर यात्रा करी जो लोकल बस के, और मेरे को उसमें से कई लोगों ने ये बोला कि भाई साहब आपके लिए तो वोट पक्का है, क्योंकि हमारा वोट तो पहले से ही डिसाइडेड है, मोदी जी को ही जाना है। अभी जो पारा भी हाई हो रहा है और चुनावी पारा भी बिल्कुल हाई है, किस तरह से प्रचार आपका चल रहा है? मैं लगातार देख रहा हूं कि 44 में आप आए हैं, पदयात्रा का दौर जारी है। देखिए, जहां पर भी हम लोग जा रहे हैं लोगों का सहयोग और लोगों का जो आशीर्वाद वो भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और जहां आज तो यहां दुकानदारों से जब मिले हैं तो वो पहुंचते सार ही बोल देते हैं, वो भाई साहब मुबारक हो जितते हुए हो। तो जो एक लोगों के अंदर एक ऐसा उत्साह, ये शायद मैंने कई चुनावों में भाग लिया है और इस चुनाव में ये एक अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी जी के प्रति हमने अभी एक बस के अंदर यात्रा करी जो लोकल बस के, तो उसके अंदर यात्रा करी और मैंने कम से कम उस दिन कोई 30-40 पैसेंजर्स के साथ बात करी, और मेरे को उसमें से कई लोगों ने ये बोला कि भाई साहब आपके लिए तो वोट पक्का है, क्योंकि हमारा वोट तो पहले से ही डिसाइडेड है, मोदी जी को ही जाना है। तो ऐसा प्रभाव जो है, ऐसा वातावरण, ऐसा वायुमंडल, मेरे को लगता है कि अभूतपूर्व है, और जो ये 400 पार वाला जो हमारा नारा है उसको हम अचीव करने आगे बढ़ रहे हैं। एक ये भी कहा जा रहा है कि आप बीजेपी और उनके कैंडिडेट मोदी राम नाम और मंदिर और दूसरे विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते लगातार, और फिर मनीष तिवारी भी बहस की बात करते हैं, फिर वो डंपिंग ग्राउंड के बाहर खड़े होकर भी वीडियो जारी करते हैं। देखिए, हमने तो आज एक लैंडस्केप ऑफ जो इंडियन पॉलिटिक्स में करप्शन नाम की डिस्कशन को खत्म कर दिया। इस चुनाव में आपने भी कोई डिस्कशन नहीं करी होगी, आपके चैनल ने नहीं करी होगी, किसी चैनल ने नहीं करी होगी। इसका क्रेडिट अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अदरवाइज हर इलेक्शन में करप्शन एक मुद्दा होता था, आज करप्शन का मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दा विहीन है। हमने तो विकसित भारत की यात्रा का ये हमने अपना जो प्लान रखा है, और सब जगह विकसित भारत की बात करते हैं। राम मंदिर बना है वो हमारा श्रद्धा का प्रश्न है, वो बना है लोगों को अच्छा लगा है, जो 370 हटी है वो लोगों को अच्छा लगा है, और कांग्रेस पार्टी बात करती है कि जैसे ही आएंगे हम ये दोनों चीजों को रिवर्स कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि ये रिवर्स करने वाली चीजों के बारे में ये कांग्रेस ऐसे बात करती है, और लोगों के मन पे क्या गुजरती होगी वो सोचना पड़ेगा। और विकसित भारत के ऊपर हम जहां जाते हैं हम पूरा डेटा प्रेजेंट करते हैं, कितने लोगों का टॉयलेट बना, कितने लोगों को पानी का नलका मिला, कितने लोगों के घर में बिजली आई, कितने गांव की सड़कें बनी, कितनी जो है वहां पर जो है तारों का जो है उसको ले किया गया, कितनी जगह पे सीएससी जैसे वो सर्विस सेंटर जो है वो खोले गए, कितने जन औषधि केंद्र खोले गए, हमारे आयुष्मान भारत में कितने लोगों का उपचार हुआ, कितने लोगों को सिलेंडर मिला। हम तो वो पूरा विकास का जो है, आप कहें तो मैं पूरी फिगर्स में आपके सामने एक्सटेम्पोर बोल सकता हूं, बट उनके पास मुद्दा नहीं है। मनीष जी मुद्दा ढूंढने के लिए निकले हुए हैं, और कहीं जाना कहीं और होता है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, उनका वो हाल है, वो मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अच्छा जी मेरे साथ डिबेट करो। हम जब स्कूल में क्लास में कॉलेज में पढ़ते होते थे ना तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनना होता था, तो कहते चल दो लड़के खड़े कर दो जी, देखो जी कौन, वो बार बार कह रहे हैं कि डिबेट में, तो मैं वही कह रहा हूं उनको। 40 साल बाद आप चंडीगढ़ में आए हैं, आके भाई चंडीगढ़ के गांव के नाम तो याद कर लो, गांव के नाम याद नहीं होते, उनके जो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके नाम नहीं याद होते,
उनको तो शुरू करना पड़ेगा ना अभी ये सारा प्रोसेस। मैं तो 20 साल से उसमें से निकला हूँ, 6.5 लाख वोटर है, तो मैं कम से कम 3.5-4 लाख वोटर्स के साथ तो पर्सनल संबंध रखता हूँ। उनको अभी 10 साल लगेंगे हमारे सामने खड़े होने में। लास्ट सवाल, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी भी कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी आपको बताएंगे, जैसे ही तिथि कंफर्म होती है आपको उनकी भी बताएंगे। कांग्रेस छोड़ के सुभाष चावला आए, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि बाकी लीडर्स भी कांग्रेस के आ सकते हैं, तो क्या आपको शाम को एक और धमाका देखने को मिले? वो अपने बेबाकी अंदाज में संजय टंडन ने जवाब दिया है, और जो बहस का मुद्दा है, बार बार मनीष तिवारी कहते हैं कि बहस कर लो, तो उस पर भी जवाब दिया, और हो सकता है कि कांग्रेस के और भी लीडर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं।